हेलो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से कोई भी वीडियो आपको जल्द ही मिल जाए। तो आज देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी जो आगामी आने वाला है एग्ज़ाम, उसके लिए और ग्रुप डी जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज का एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है आगामी एनटीपीसी के लिए खासकर। तो चलिए देखते हैं, इसका जो पार्ट आएगा 10 पार्ट आएगा और भी जीके आएगा, ठीक है। और ये जो आएगा आपका 100-100 क्वेश्चन का आएगा, तो ये आपको 10 पार्ट पहले जरूर देख लेना चाहिए, इसमें 1000 क्वेश्चन रहेगा। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। विश्व कप क्रिकेट 2023 का स्थल जो होगा भारत में होगा, ठीक है। इसरो का जो मुख्यालय है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का, जो बेंगलुरु में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, चेक की वैधता होती है 3 महीने होती है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो होता है 28 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में पहला बैंक जो खुला गया था बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। नेक्स्ट देखते हैं, हवा में नाइट्रोजन की प्रतिशत 78% होती है और ऑक्सीजन की जो होती है 21% और बाकी अन्य की जो होती है 1% होती है। नेक्स्ट देखते हैं, पहला ओलंपिक खेल जो होता है थेन्स ग्रीस में आयोजित किया गया था। और हाँ, जीके जो याद करना है वो ऐसे याद नहीं होगा, आप उसको बार बार दोहराइए, ठीक है। बार बार दोहराइएगा, रिपीट कीजिएगा, उसको रिवीजन कीजिएगा तो भी याद होगा। या ग्रुप डिस्कशन कीजिए, आप लोग 10 लड़के मिलकर कहीं पर ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं, तो उसके वो बहुत बेहतर होगा, ठीक है। वो उससे बहुत ज़्यादा याद होता है। मैं भी लाइव क्वेश्चन लाऊँगा कुछ दिनों बाद, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 1889 में सचिन के पहले टेस्ट के लिए प्रतिद्वंद्वी टीम कौन सी है, तो ये पाकिस्तान थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वेब ब्राउजर में ब्राउजिंग स्क्रीन के विस्तार करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो वेब ब्राउजिंग में ब्राउजिंग स्क्रीन के विस्तार करने के लिए F11 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, शिमला समझौता कब हुआ था, 1972 में। नेक्स्ट देखते हैं, ASCII का इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोर फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, शनि पर कौन सी गैसें पाई जा सकती है, तो शनि पर हाइड्रोजन और हीलियम दोनों पाई जा सकती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, किस प्रक्रिया को कहा जाता है जिसमें धातुओं को रोकने के लिए जस्ता ऑक्साइड की धातुओं पर लागू किया जाता है जंग को बचाने के लिए, ठीक है, जंग लगने के लिए, ठीक, तो वो बिजली से धातु को चढ़ाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, DBMS का फुल फॉर्म क्या है, तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के गैर नागरिकों को किस मौलिक अधिकार की गारंटी है, तो अनुच्छेद 21 जो है मौलिक अधिकार के गारंटी और जीवन के अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार देता है, अनुच्छेद 21, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा गोल मेज सम्मेलन 1931 में किस महीने में आयोजित किया गया था, तो ये महीना था आपका सितंबर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, साहित्य का नोबेल 2018 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, तो किसी को नहीं मिला है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो मौलिक कर्तव्य 11 हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ल्यूकोडर्मा सफ़ेद दाग का उपचार क्या है, इसका जो आंसर है यहाँ पर छूट गया है, तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, हमें भी याद नहीं है, ठीक है। लिकोडर्मा सफ़ेद दाग का उपचार क्या है। नेक्स्ट देखते हैं, कन्फ्यूजियस पुरस्कार 2016 किसको दिया गया था, तो जिम्बाब्वे के रॉबर्ट मुगाबे को, जो राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट देखते हैं, FCCC का पूर्ण रूप क्या है, तो संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन पर जलवायु परिवर्तन। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में दिल्ली पुलिस ने संकटग्रस्त महिलाओं के लिए ऐप लॉन्च किया, ऐप का नाम क्या है, तो ये हिम्मत है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज का जनक किसे माना जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। नेक्स्ट देखते हैं, उस ऑपरेशन का नाम जो ओसामा बिन लादेन को पकड़ने और उसकी मृत्यु का कारण बना, ऑपरेशन इसे नेचिन स्पीयर दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, एनी बेसेंट ने। नेक्स्ट देखते हैं, चिनाब झेलम किस नदी के सहायक नदियां हैं, तो ये सिंधु नदी के। नेक्स्ट देखते हैं, 2016 में BNP परिवास ओपन टूर्नामेंट में महिला युगल की विजेता कौन बनी, तो मिर्जा और मार्टिना हिंगिस। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग का एकमात्र पुरुष कौन सा बना था, तो अलोक रावत जी है। नेक्स्ट देखते हैं, संपत्ति के रूप में दोहराए जाने वाले तत्वों के गुणों की अवधारणा किसके साथ कौन आया था, उनकी परमाणु संख्या जैसा आवर्त सारणी में व्यवस्थित है किसने दिया था, तो दमित्री मेंडलिफ ने। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा अंग रक्त से नाइट्रोजन यौगिकों को निकालता है, तो हम किडनी जो होता है गुर्दा
जिसका इसका अध्ययन जो कहलाता है नेफ्रोलॉजी कहता है, और किडनी का जो इकाई होता है वो नेफ्रॉन होता है यूनिट। नेक्स्ट देखते हैं रॉकेट लॉन्च पैड कहाँ पर है, श्री हरिकोटा में। नेक्स्ट देखते हैं आईएनएस विक्रांत किस वर्ष में विकसित हुआ था, तो ये 1997 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो मिट्टी संबंधी विद्या जिसको बोलते हैं आपको। नेक्स्ट देखते हैं आर्यभट्ट किस वर्ष में लॉन्च किया गया था, तो 1975 में। नेक्स्ट देखते हैं एक प्रकार की गंध वर्षा करते हुए इसे कहा जाता है, ठीक है, तो ये ओजोन जो होता है। नेक्स्ट देखते हैं मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो HL ये अभी फिलहाल में जो है आपका, ठीक है, यहाँ क्वेश्चन था कि मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो ये HL दत्तू है जी है, जो कि 2016 से ही हैं और 2020 तक रहेंगे, ठीक है, इनका कार्यकाल 2020 तक रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं स्कूनर में गेंदों की संख्या कितनी होती है, तो 22। नेक्स्ट देखते हैं टेस्ट क्रिकेट मैच में सबसे तेज शतक कौन सा लगाया था, कौन लगाए थे, तो ब्रेडन मैंकुलन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दक्षिणी एशियाई कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष कौन है, तो बृजभूषण सिंह शरण सिंह। नेक्स्ट देखते हैं दिल्ली को किस वर्ष में राजधानी बनाया गया था, तो ये 1911 में आपको राजधानी बनाया था। नेक्स्ट देखते हैं विश्व कन्या दिवस कब मनाया जाता है, 6 अक्टूबर को। नेक्स्ट देखते हैं पाकिस्तानी क्रिकेट अंपायर जिसे 5 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया है उसे उसका क्या नाम है, तो असद रऊफ था। नेक्स्ट देखते हैं नियोलिथिक लोगों द्वारा पालतू पहला जानवर कौन सा बनाया गया था, तो कुत्ता, लाइका नाम की कुतिया थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं NSA का पूर्ण रूप क्या है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा अभिकरण। नेक्स्ट देखते हैं उच्च न्यायालय में की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, अन्ना चांडे। नेक्स्ट देखते हैं गुब्बारों में कौन सी सुप्रीम कोर्ट का पूछता, ठीक है, एस फातिमा बीबी थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है, तो हीलियम थी। नेक्स्ट हीलियम है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी द्वारा किस संविधान संशोधन को लागू किया गया था, तो ये 42वां संविधान संशोधन था। नेक्स्ट देखते हैं सबसे तेज टेस्ट शतक का रिकॉर्ड कौन रखता है, तो ब्रेंडन मैकुलम ने लगाया था सबसे तेज शतक। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रपति ने एक घोषणा पर हस्ताक्षर किए जिसके तहत राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए लेख है, तो अरुणाचल प्रदेश के 356 के वन में। नेक्स्ट देखते हैं जीवन रक्षा पादक ये कितनी श्रेणियाँ है, तो 3 सर्वोत्तम जीवन रक्षा पादक है, उत्तम जीवन रक्षा पाद और जीवन रक्षा पाद। नेक्स्ट देखते हैं पूना समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था, तो 1932 में। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड जिसको सेबी कहते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं इसका स्थापना किसके द्वारा की गई थी, अर्थात कब हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 1988 में। नेक्स्ट देखते हैं मार्च अप्रैल 2009 में टेस्ट मैच श्रृंखला में न्यूजीलैंड पर भारत की जीत कैसे हुई, तो कई साल बाद हुई थी, ठीक है, तो 41, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 41 नहीं ये 41 है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि 29 दिसंबर 2015 को जॉर्जिया के PM के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो ये आपको जॉर्जी आपको कबरिकेशविली नाम के व्यक्ति को किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं ब्रह्मांड के उम्र क्या है, तो 13.8 बिलियन वर्ष है। नेक्स्ट देखते हैं ई लर्निंग सामग्री उपलब्ध कराने के लिए CBSE के नवीनतम मोबाइल एप्लीकेशन को क्या कहा जाता है, तो ECBSE कहा जाता है। नेक्स्ट है विश्व में पहली मुस्लिम PM कौन बनी, बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान के। नेक्स्ट देखते हैं 2015 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पुस्तक को ले दिया गया था, तो ये अमृता के लिए दिया गया था, ठीक है। 2018 ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है कृष्णा सोबती को दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं डायनासोर किस उम्र में पृथ्वी पर मौजूद थे, तो मेसोजोइक युग को। नेक्स्ट देखते हैं यस बैंक का अध्यक्ष कौन है, तो राधा सिंह। नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी है, तो 8 होती है। नेक्स्ट देखते हैं सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी की स्थापना की, तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की। नेक्स्ट देखते हैं चोल वंश का अंतिम राजा कौन था, तो राजेंद्र चोल तृतीय था। नेक्स्ट देखते हैं एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने, तो राजगोपालाचारी। नेक्स्ट देखते हैं जिन्हें 2 बार सम्मानित किया गया, 1903 में भौतिक के नोबेल पुरस्कार और 1911 के नोबेल पुरस्कार रसायन विज्ञान में, तो कौन थी, मैडम कुरिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में दूसरा हवाई अड्डा कौन सा है, भिवाड़ी है। नेक्स्ट देखते हैं पहली आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक को 1896 में खेला गया था। नेक्स्ट देखते हैं ब्रिटेन में PM मोदी द्वारा प्रतिमा का अनावरण किया गया, जिस ये बसवेश्वरा नाम का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एलासेन अवतारा है, एक आइवरी कोस्ट के अध्यक्ष है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में किस परमाणु क्रमांक
3 है तो लिथियम का है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, केसरी मराठी समाचार पत्र द्वारा स्थापित किया गया था किसके द्वारा, तो लोकमान्य तिलक बाल गंगाधर तिलक द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, दुनिया का पहला कैशलेस देश है तो वे स्वीडन है। नेक्स्ट देखते हैं, गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट देखते हैं, अंतरिक्ष की कक्षा में जाने वाला पहला जानवर कुत्ता जो लाइका नाम था उसका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विज्ञान जो विशेष रूप से पुरुषों के रोग से संबंधित है तो उसे एंड्रोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, तो चंद्रगुप्त थे वास्तविक रूप से जो थे, नहीं तो ऐसा श्री गुप्त आता है, ठीक है। वास्तविक पूछेगा तो आपको चंद्रगुप्त प्रथम जो होगा, और ऐसे गुप्त वंश का संस्थापक पूछे तो श्री गुप्त होगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन स्वराज पार्टी के संस्थापक था, तो मोतीलाल नेहरू जी थे। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय हॉकी टीम ने किस वर्ष ओलंपिक में जीत दर्ज की थी, तो 1928 में। नेक्स्ट देखते हैं, दक्षिण एशियाई कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह थे। नेक्स्ट देखते हैं, आर्यभट्ट के 1975 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, 1931 में दिल्ली को भारत की राजधानी बनी, ठीक है, तो 1931 में यहाँ लिख रहा है, 1911 में होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, राज्यसभा में विपक्षी नेता कौन है, तो गुलाम नबी आज़ाद। नेक्स्ट देखते हैं, अभी जो है आपको राज्यसभा में गुलाम नबी आज़ाद ही अभी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अंशु गुप्ता रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता कौन है, तो गुंज एनजीओ के संस्थापक हैं जो, ठीक है। विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है, 4 अक्टूबर को। थॉमस कप किससे संबंधित है, तो बैडमिंटन से। नेक्स्ट देखते हैं, 10 रुपये और 125 रुपये के सिक्का किसके लिए हाल ही में बनाया गया है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लिए 2016 के आसपास में बनाया गया था, 2014-15 के आसपास में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मिश्रित डबल विंबलडन चैंपियनशिप 2015 का, ये तो 2015 का पूछा है, मार्टिना हिंगिस में लिएंडर पेस था। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश वर्ष की दूरी ने एक वर्ष की यात्रा कितना करती है, तो 10 ट्रिलियन किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, SSLV का शुभारंभ जो हुआ था 1994 में हुआ था। मूली एक क्या है, खाद्य जड़ है। लाल ग्रह कौन सा है, मंगल है। जिगर का अध्ययन क्या कहलाता है, हेप्टोलॉजी कहलाता है। और किडनी का जो कहलाता है, नेफ्रोलॉजी कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, स्टील और लोहे के गैल्वेनीकरण द्वारा किया जाता है, तो जस्ता द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा पर्वत जैव विविधता हॉटस्पॉट के अंतर्गत आता है, तो ये पश्चिमी घाट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखते हैं, 2014 में सरस्वती सम्मान पुरस्कार विजेता कौन थी, बीरप्पा मोइली। नेक्स्ट देखते हैं, बेलूर मठ कहाँ पर स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, 2016 में T20 महिलाओं के विश्व कप विजेता टीम की कप्तान कौन थी, तो स्टेफनी टेलर वेस्ट इंडीज की थी। नेक्स्ट देखते हैं, म्यांमार के पहले नागरिक राष्ट्रपति कौन थे, तो हत्यान क्याव थे। नेक्स्ट देखते हैं, ICC का पुराना नाम इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन था। और गोवा की लास्ट है क्वेश्चन, गोवा का आधिकारिक भाषा कोंकणी है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और इसी तरह आगे पार्ट आते रहेंगे। अगर आप GK की तैयारी करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी तरह से होगा। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से कोई भी वीडियो आपको जल्द ही जल्द मिले, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।